सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बार राधे राधे तो बोल ले सर। राधे राधे। सर सभी धर्मों में बोला गया है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। तो और ये भी बोला गया है कि जो उनकी धार्मिक किताबें हैं वो भगवान ने खुद बोली हैं, जैसे कुरान ले लीजिए, गीता ले लीजिए। लेकिन सभी धर्मों में एक बात, जो किताबें हैं सब में अलग अलग बातें लिखी हैं। अगर भगवान एक है तो बातें अलग अलग क्यों? या तो भगवान गलत है या तो धर्म। भगवान ही गलत होगा? भगवान गलत हो नहीं सकता, तो धर्म गलत है। कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, धर्म को छोड़ो। हाउ ओल्ड आर यू माय डियर? 15 years old. 15 years old? Yes, sir. Then you take decision this time? Yes, sir. This is the biggest decision. सर ये मेरा aim भी है कि पूरे world से religion को हटाना और कर्म बड़ा होना चाहिए। Very good. सर मैं जब कल आया था मैंने देखा इतनी भीड़, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन सर एक दिन मैं भी वहाँ बैठा हूँगा और इतनी भीड़ को बता रहूंगा, बस फर्क इतना है आप भगवान और धर्म को लेकर चलते हैं, मैं भगवान कर्म को लेकर चलूंगा। तो अच्छी बात है। लेकिन डू यू नो अबाउट आवर रिलीजन? सर रिलीजन, सर हिंदू धर्म की बात करें तो सर असल में वो कोई धर्म नहीं था, पर जब बाकी धर्म बने, बौद्ध धर्म और मुस्लिम लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने हमें नाम दिया हिंदू, क्योंकि हम सिंधु नदी किनारे रहते थे। यही हमारा धर्म है सर, असल में तो कोई धर्म था नहीं, तो सच्चा हिंदू यही है। धर्म ही नहीं है? यस सर। व्हाट? नहीं नहीं बैठ जाओ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अरे मेरा काम है बताने का। मैं ये नहीं कह रहा हिंदू धर्म बाद में आया है। नहीं नहीं मेरी बात लिशन लिशन, दिस इज माय क्लास माय डियर। सॉरी सर, प्लीज मेंटेन योर पीस। ओके ओके सर। लिशन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। व्हाट्स योर नेम? सर अमरेश। प्लीज से योर फुल नेम। सर फुल नेम कहने में अच्छा नहीं लगता सर, अमरेश शर्मा। शर्मा? यस सर। अच्छा क्यों नहीं लगता? सर ये शर्मा सर हमें पसंद नहीं सर, क्योंकि इसके बेसिस पर बहुत डिवीजन है सर, शर्मा पांडे तिवारी, सर ये क्या है? नथिंग। तो सर सिर्फ अमरेश अच्छा है? अमरेश। धर्मों से बुराइयां जन्म लेती हैं? नहीं, कोई बुराई नहीं जन्म लेती सर। एज फॉर एग्जांपल अगर हम पिछले बहुत सदियों में जाएं तो जब शादी होती थी तो जो लड़की वाले होते थे वो दहेज में कुछ लेते थे, पर पंडितों ने सिस्टम बदल के आज उन लोग को दहेज देना पड़ रहा है। और जब अगर कास्ट के सिस्टम पे जाए तो पहले जो कर्म करता था उसको वो कहा जाता था क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण, लेकिन आज के टाइम जो जहाँ पैदा होता उसको वो कहा जाता है। सर ये गलत है? देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, आप कभी अकेले में आना तो मैं, क्योंकि इन सब के बीच में तो मैं आपको समझा सकता हूं, पर फिर उस समय आपको फील अच्छा नहीं होगा। सच्चाई यह है कि धर्म को अभी हम, धर्म शुरू होता है डी से, अभी आप डी भी नहीं जानते हो तो फिर आप के फॉर कर्म को जानने की कोशिश कर लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन ये क्या है, इस धर्म को जानने के लिए मेरे प्यारे लोगों को सदियां लग जाती हैं। आप 15 साल में जान लेना चाहते हो? तो मेरा रिलीजन तो मानवता है, उसके अलावा और कुछ? हाँ तो मानवता को ही समझने जाओगे तो धर्म अपने आप समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे, मानवता ही समझ लो। ओके पहले प्रॉमिस करो, समझने की कोशिश करोगे? हाँ सर। से प्रॉमिस? सर प्रॉमिस सर। माथे पे तिलक लगाओगे? सर इसका प्रॉमिस नहीं कर सकते। क्यों सर बताइए ना। सर ये परंपराएं सर, नहीं। किसको परंपराएं? तुम्हारे भगवान को तो मानते हो ना। एक मिनट लिसन, तेरी मम्मी तो नहीं आई? नहीं सर मेरी मम्मी नहीं आई। हाँ फिर ठीक है, नहीं तो पहले बता भगवान को मानते हो? यस सर भगवान को। कौन से भगवान? उसको नहीं नहीं, कौन से भगवान को मानते हो? सर जिसका कोई रूप नहीं होता, स्वरूप नहीं होता, निराकार है। यस सर। निराकार को मानते हो? यस सर। इसके एक खड़ा होके इसके गाल पे थप्पड़ मारो,